लेडीज़ एंड जेंटमैन आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज के वीडियो ट्यूटोरियल में भी मैं आपको 20 इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग और उनके यूजेज को सिखाऊंगा इन 20 वर्ड्स में से 10 जो हैं वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स कहलाएंगे जो कि हम ऑफिस वग़ैरह में बोलते हैं और दस जो हैं वो इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स हैं जो कि हम आम बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं ये जो वर्ड्स हैं ये मैं आपको पेयर्स में बताऊंगा और उन दोनों वर्ड्स का मीनिंग जो है वो सेम होगा लेकिन जब हम उनको यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने ऑफ़िस वगैरह में या फिर फॉर्मल राइटिंग के दौरान कौन सा वर्ड यूज़ करना है और आम बोलचाल में कौन सा वर्ड यूज़ करना है तो पहले हमारे पास वर्ड है डिक्रीज और गो डाउन। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग है कम करना या कम होना लेकिन डिक्रीज़ जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है और गो डाउन जो है वो हम इनफॉर्मल इन्वामेंट में यूज करेंगे जिस तरह अगर टीवी पर जो है वेदर फोरकास्टर आपको वेदर के बारे में बता रहा है तो वो कहेगा टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग के दर्ज हरारत कम हो रहा है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग लेकिन अगर मैं दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा यार टेम्परेचर इज़ गोइंग डाउन यानी कि दर्जा हरारत कम हो रहा है तो टेम्परेचर इज गोइंग डाउन हमने इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ किया इसी तरह दोस्तों वर्ड्स डिज़ायर और होप दोनों का मीनिंग होता है ख्वाहिश इच्छा लेकिन वर्ड डिज़ायर जो है वो फॉर्मल स्पीकिंग में यूज होगा राइटिंग में यूज होगा और जो है होप हम आम बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं जब जै, जैसा कि अगर मैं कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने मोटिवेशन मोटिवेशनल लेटर लिखना है तो उसमें मैं लिखूँगा आई डिज़ायर टू वर्क इन आर चैलेंजिंग वर्क इन्वामेंट कि मेरी ख़्वाहिश है कि मैं एक चैलेंजिंग काम करने वाली माहौल में काम करूं तो यहाँ पे मैंने डिज़ायर का वर्ड यूज़ किया आई डिज़ायर टू वर्क इन अ चैलेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट लेकिन अगर मैंने अपने दोस्त से कहना है कि मैं ख्वाहिश करता हूँ कि तुम ठीक हो मेरी इच्छा है कि तुम ठीक हो तो मैं कहूँगा आई होप ड यू आर फाइन दोस्त के लिए होप और फॉर्मल इन्वायमेंट के लिए डिज़ायर इसी तरह दोस्तों डेफिशेंसी और लैक दोनों का मीनिंग होता है कमी कम होना अब एक डॉक्टर प्रेजेंटेशन दे रहा है या अपने पेशेंट को बता रहा है तो वो कहेगा विटामिन डी थ्री डेफिशेंसी कैन लीड टू वीक बोन्स के डी थ्री विटामिन की डेफिशेंसी यानी कि कमी डी थ्री विटामिन की कमी कमज़ोर हड्डियों का सबब बन सकती हैं तो यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया डेफिशिएंसी का क्योंकि वो एक फॉर्मल इन्वामेंट में बैठा हुआ है और अगर मैंने अपने दोस्त को कहना है नहीं यार वो इसमें इस वो उसमें ये मोटिवेशन ही नहीं है उसमें मोटिवेशन की कमी है कि वो ये काम करे तो मैं कहूँगा he lacks motivation to do this work. he lacks motivation to do this work. the word deficiency or lack dono ka meaning hai kami kam hona kam karna लेकिन आपने देखा कि deficiency डॉक्टर ने use किया formal environment में और दोस्त के साथ बोलते हुए मैंने lack का word use किया. demonstrate और show दोनों का meaning हो सकता है दिखाना क्योंकि डेमोनस्ट्रेट का डिफरेंट मीनिंग होते हैं शो के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं लेकिन डेमोनस्ट्रेट और शो दोनों का मीनिंग दिखाना भी होता है लेकिन वर्ड डेमोन्स्ट्रेट का वर्ड हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं और शो को हम आम बोलचाल में यूज़ करेंगे जिस मैं एक सेल्स मैन हूँ और मैं अपने क्लाइंट को बता रहा हूँ कि ये प्रिंटर ऐसे काम करता है तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ़ आवर न्यू प्रिंटर कि मैं दिखाने जा रहा हूँ कि हमारा नया प्रिंटर कैसे काम करता है आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ आवर न्यू प्रिंटर या फिर मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि यार लेट मी शो यू हाउ दिस प्रिंटर वर्कस कि मुझे दिखाने दो तुम्हें कि यह प्रिंटर कैसे काम करता है तो दोस्त के लिए शो कवर्ड क्लाइंट के लिए डेमोन्स्ट्रेट का वर्ड इसी तरह दोस्तों करेजियस और ब्रेव दोनों का मीनिंग होता है बहादुर लेकिन वर्ड करेजियस हम फॉर्मल स्पीकिंग राइटिंग में यूज करते हैं और ब्रेव हम आम बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं कोई राइटिंग कर रहा हूँ कोई ऐसे लिख रहा हूँ तो उसमें मैं कहूँगा ही वॉज़ वेरी करेजियस कि वो बहुत बहादुर था ही वॉज़ वेरी करेजियस लेकिन अगर मैंने कहना है कि यार वो बड़ा बहादुर बंदा है अपने दोस्त को या फिर किसी और को तो मैं कहूँगा ही इज़ अ ब्रेव मैन कि वो बहादुर बंदा है तो देखिए दोनों वर्ड्स करेजियस और ब्रेव का मीनिंग है बहादुर लेकिन वर्ड करेजियस को हमने फॉर्मल राइटिंग में यूज़ किया और ब्रेव को हमने आम बोलचाल में यूज़ किया इसी तरह दोस्तों वर्ड डिस्कार्ड और थ्रो अवे दोनों का मीनिंग होता है फेंकना डिस्कार्ड कर देना यानी कि कोई चीज़ फेंक देना जो इस्तेमाल में ना हो थ्रो अवे का भी मीनिंग है फेंक देना जिसका घर का पुराना सामान फेंकना लेकिन डिस्कार्ड जो है वो हम ज़्यादातर फॉर्मल इन्वामेंट में यूज़ करते हैं और थ्रो अवे के वर्ड्स को हम इनफॉर्मल इन्वामेंट में यूज़ करते हैं जिसे ऑफिस में मैं कहता हूँ कि लेट्स प्लान टू डिस्कार्ड आवर ओल्ड इक्विपमेंट। चलें प्लान करते हैं कि मतलब अपना पुराना सामान फेंकने के लिए ऑफिस का सामान लेट्स प्लान टू डिस्कार्ड आवर ओल्ड इक्विपमेंट। लेकिन मैंने दोस्त अपने दोस्त को कहना है या तो मैं अपना पुराना कंप्यूटर फेंक देना चाहिए या पुरानी चेयर फेंक देनी चाहिए तो उसे कहूँगा यू शुड थ्रो अवे यूर ओल्ड चेयर यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि यू शुड डिस्कार्ड योर ओल्ड चेयर बल्कि मैंने कहा थ्रो अवे यू शुड थ्रो अवे योर ओल्ड चेयर डिस्कस और टॉक अबाउट दोनों का मीनिंग होता है बातचीत करना डिटेल में बात करना लेकिन ज़्यादातर वर्ड डिस्कस को हम फॉर्मल एनवायरनमेंट में यूज करते हैं और टॉक अबाउट को इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं जैसा क्लास में टीचर कहेगी लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक या लेट्स डिस्कस अबाउट इट लेट्स डिस्कस इट चलें इसको डिस्कस करते हैं लेकिन दोस्त को मैंने कहना है तो मैं कहूँगा लेट्स टॉक अबाउट इट या फिर वी विल टॉक अबाउट इट टमोरो हम इसे कल इसके बारे में कल बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूट और गिव आउट दोनों का मीनिंग होता है बांटना देना कुछ ठीक है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड हम ज़्यादातर फॉर्मल रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में यूज़ करते हैं और गिव आउट का वर्ड हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं जिस मैं कहूँगा लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द अर्म्स अमंग द पुअर के गरीब लोगों में चले जो है खैरात बांटते हैं कि बहुत से लोगों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ किसी जगह पे बैठ के कोई फॉर्मल मीटिंग है तो उस वक्त मैं डिस्ट्रीब्यूट वर्ड यूज़ करूँगा डिस्ट्रीब्यूट दर्न अमंग द पुअर लेकिन मैंने कहना यार चलो ये जो सोफा है या ये जो पुराना टी वी है ये सर्वेंट को दे देते हैं तो मैं कहूँगा लेट्स गिव इट आउट टू द सर्वेंट दोस्तों वर्ड डोनेट और गिव दोनों का मीनिंग होता है देना गिव का मीनिंग वैसे तो देना होता है लेकिन हम मतलब गिव अवे या फिर हेल्प के लिए भी डोनेशन के सूरत में भी हम गिव का वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन डोनेट का जो असल मीनिंग है वो फॉर्मल इन्वामेंट में यूज़ होगा और गिव को हम इनफॉर्मल इन्वामेंट में यूज़ करेंगे एग्ज़म्पल देते हैं आवर कंपनी विल डोनेट हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ फॉर अ गुड कॉज हमारी कंपनी अच्छे काज के लिए एक लाख रुपए डोनेट करेगी एक लाख रुपए देगी हमारी कंपनी अच्छे काम के लिए एक लाख रुपए देगी लेकिन मैंने कहा है कि यार फ़कीर को भेकारी को सौ रुपए दे दो तो मैं कहूँगा गिव हंड्रेड रुपीज़ टू द बैगर तो यहाँ पे देखे मैंने आम बोलचाल के लिए डोनेट वर्ड नहीं यूज़ किया बल्कि सिंपली गिव का वर्ड यूज़ किया इसी तरह दोस्तों एलिमिनेट और रिमूव दोनों का मीनिंग होता है ख़त्म करना हटाना लेकिन एलिमिनेट जो है हम फॉर्मल इन्वामेंट में यूज़ करेंगे और रिमूव का वर्ड हम इनफॉर्मल इन्वामेंट में यूज़ करते हैं एग्जांपल लेते हैं जी द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एलिमिनेट द करप्शन गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि करप्शन को ख़त्म करना है तो यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हमने एलिमिनेट का वर्ड यूज़ किया दूसरा सेंटेंस देखें दिस लिक्विड विल रिमूव ऑल दें यह लिक्विड जो है ये महलूल जो है तमाम के तमाम दाग मिटा देगा तो आपने देखा कि जब मैंने फॉर्मल इन्वामेंट में बात करनी है तो मैं एलिमिनेट का वर्ड यूज़ करूँगा और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में आम बोलचाल के लिए मैं सिंपली रिमूव का वर्ड यूज़ करूँगा लेडीज़ एंड जेंटलमैन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आई है तो शेयर भी कर दें अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इससे आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी आपका कोई क्वेश्चन है कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया हूं आई फैक्टनर मिलूंगा आपसे कौन नए वीडियो ट्यूटोरियल में हंडल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग गुड डे लाइक शेयर सब्सक्राइब आई फैक्टनर